तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल टेक बाजार। दोस्तों रियलमी FAQ एपिसोड 11 रिलीज हो चुका है और मैं आपके पास लेके आ गया हूँ उसके क्वेश्चंस एंड आंसर। यहाँ पे दोस्तों गूगल लेंस के बारे में पूछा गया है, रियलमी कलर ओएस 6 के बारे में पूछा गया है, फॉन्ट के बारे में पूछा गया है, बहुत सी अदर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले फिर से बोल रहा हूँ, अगर से आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गूगल लेंस रियलमी के डिवाइसेस में सपोर्ट क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पे रियलमी ने वही आंसर दे दिया है, कैमरा 2 API और हॉल 3 ऐप्स जो है उसमें इंस्टॉल नहीं है, इसलिए गूगल की जो एप्लीकेशन और सर्विस है ये वर्क नहीं करती है। पर दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने एक और सोल्यूशन उसका दे दिया है, अगर आप गूगल लेंस को यूज़ करना चाहते हैं तो आप गूगल असिस्टेंट ओपन कर सकते हैं और गूगल असिस्टेंट को ओपन करने के बाद गूगल लेंस का आपको आइकॉन दिख जाएगा, गूगल लेंस वहाँ से ओपन कर लीजिए और किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बट दोस्तों मैंने भी अपने रियलमी 1 में तो यूज़ करने की कोशिश करी बट मुझे यहाँ पे गूगल लेंस का कोई भी आइकॉन नहीं मिला है। तो दोस्तों गूगल लेंस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप गूगल की फ़ोटोज़ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल की फ़ोटोज़ ऐप में आपको गूगल लेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, बट गूगल लेंस उतना भी यूज़फुल नहीं है। गूगल लेंस के इक्वली आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐप्स जो है प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या मैं जो वर्ज़न है उसको डाउनग्रेड कर सकता हूँ, जो लेटेस्ट वर्ज़न है उसको। तो यहाँ पे रियलमी ने बोल दिया है नहीं भाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो नया वर्ज़न जो आता है वो सिक्योरिटी के नए नए अपडेट्स लेके आता है, अगर आप उसे डाउनग्रेड करते हैं तो आप अपने रिस्क पे डाउनग्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पे रियलमी ने बोल दिया है कि आप डाउनग्रेड नहीं करिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। बट दोस्तों यहाँ पे रियलमी ने एक और चीज़ कही है कि अगर आप बैटरी ड्रेनिंग इश्यू से परेशान हैं और आपको बहुत सारे लैग्स देखने को मिल रहे हैं लेटेस्ट अपडेट वाले वर्जन में, तो आपको फैक्ट्री डाटा रीसेट कर लेना चाहिए। बट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फैक्ट्री डाटा रीसेट करने से क्या डाउनग्रेड हो जाएगा। डाउनग्रेड करने के लिए तो आपको रियलमी सेंटर में ही जाना पड़ेगा, रियलमी सर्विस सेंटर में जाके आप मे बी डाउनग्रेड करा सकते हैं। बहुत से लोगों ने वर्जन डाउनग्रेड कराया, बट दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आप डाउनग्रेड ना ही कीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि जब आप डाउनग्रेड करते हैं तो दोस्तों जब नए अपडेट आती है तो वो नई अपडेट आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उससे पुरानी वाली लेटेस्ट अपडेट वर्जन को नहीं करेंगे। तो अभी तो बहुत अच्छा कलर ओएस 6 भी आने वाला है, एंड्रॉयड 5 भी आने वाला है, तो ये सब बातें बेकार है डाउनग्रेड करने वाली। इन फ्यूचर कंपनी जो भी हमें एंड्रॉयड 5 अपडेट और रियल अभी कलर ओएस 6 अपडेट देने वाली है, उससे यकीन मानिए आपकी जो बैटरी ड्रेनिंग इशू है, लैग का इशू है और कैमरा का जो इशू है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि रियलमी कलर ओएस 6 जो आएगा उसमें क्या ऐप ड्रॉवर को इनेबल किया जा सकता है। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जी हाँ आप इनेबल कर सकते हैं, कंपनी ने टेस्टिंग सारी कर ली है। कलर ओएस पहले जो था उसमें ऐप ड्रॉवर का वर्जन नहीं दिया था, अपडेट नहीं दिया था, बट अभी जो आपको कलर ओएस 6 मिलने वाला है उसमें ऐप ड्रॉवर का भी फीचर्स आने वाला है। मोस्टली ये फीचर्स दोस्तों आईफोन में आता है, तो अब तैयार हो जाइए, कंपनी ने तो बोल दिया है। और माधव सर सेठ ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट करके बोल दिया था कलर ओएस 6 में ऐप ड्रॉवर का भी वर्जन आने वाला है, फीचर्स आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप जो मेमोरी स्टिक है और स्टोरेज डिवाइस है उसमें डायरेक्टली रिस्टोर कर सकते हो अपने प्राइवेट सेफ का जो डाटा है जो आपने पासवर्ड द्वारा सिक्योरिटी में रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे रियलमी ने कह दिया है कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से आपको पहले जो है डाटा वो प्राइवेट सेफ से रिस्टोर करना होगा, जहाँ पे आप जिस गैलरी में चाहते हैं, जिस फोल्डर में चाहते हैं, उसके बाद ही वो डाटा वहाँ से मूव होगा आपके मेमोरी स्टिक या डिवाइसेस में, क्योंकि
दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बोल दूँ, जब भी आप प्राइवेट सेफ का डाटा सेफ रखते हो तो अपना पासवर्ड कहीं लिख के रख दिया करो, या फिर पासवर्ड सरल सा या फिर ईजी सा चूज़ किया करो। और दोस्तों आप वहाँ पे जो एक आंसर रहता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का वो भी दे दिया करो और भी रख करो, क्योंकि दोस्तों रियलमी कस्टमर केयर से भी मैंने बात करी थी, बट अगर आप यहाँ पे एक बार पासवर्ड भूल जाते हो प्राइवेट सेफ का तो फ़ोन को रीसेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। और जो आपका जो डाटा है, जो मेन डाटा है जो आप प्राइवेट सेफ में सबसे बचाने के लिए रखते हो, वो आपका डिलीट करना ही पड़ता है, क्योंकि उसका पासवर्ड जो है एक्सेस नहीं होता है। तो यहाँ पर रियलमी ने एक और चीज़ बोला है कि वो वर्क कर रही है, इससे भी अच्छे वे में अगर कोई डाटा वो ट्रांसफ़र कर सके सीधे तरीके से, इजी तरीके से, तो वो फ्यूचर में आपको बता देगी। बट दोस्तों आप जो पासवर्ड है उसे याद रखिए और इजी पासवर्ड ही रखिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या रियलमी थीम जो है हमारे पास जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है उसमें क्या हम जो फॉन्ट है उसे चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट से स्मार्टफोन के लिए अपने। तो यहाँ पे रियलमी ने कह दिया है कि नहीं हो सकता भैया, और वैसे भी नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट इन फ्यूचर रियलमी जो थीम स्टोर लेके आने वाली है उसमें दोस्तों फुल चांसेस है कि आपको यहाँ पे फॉन्ट और थीम एक से एक देखने को मिल जाएगी। और ये जो थीम स्टोर आने वाला है ये कलर ओएस से पहले आने वाला है, कलर ओएस में भी आपको फॉन्ट चेंजिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। बट दोस्तों जो मोस्टली जो रिक्वायरमेंट है कम्युनिटी में, बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं फॉन्ट से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड, तो रियलमी दोस्तों बहुत जल्द ही खुद का बना हुआ एक रियलमी थीम स्टोर लेके आने वाला है, जिसमें फॉन्ट थीम के साथ साथ बहुत सारे फीचर्स भी हमको इन फ्यूचर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है फॉन्ट से रिलेटेड, तो मैंने फॉन्ट से रिलेटेड एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उस वीडियो में फॉलो करके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं रियलमी वन को छोड़ के। फॉन्ट चेंजिंग वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको फॉन्ट अभी चेंज करने हैं तो आप उस लिंक में दिए गए वीडियो में जैसे जैसे बोला है वैसे फॉन्ट अपने चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है Realme के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के बारे में, तो आपको पता ही होगा उसमें कितने सारे बग्स हैं। अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी आपको Realme का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो ओपन हो जाता है और ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश भी हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या इसे फ्यूचर में रिमूव कर दिया जाएगा या ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे Realme ने बोला है कि इसे वेल ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा, और इस तरह से किया जाएगा कि बैटरी का जो पावर है बहुत कम ही खर्च करें। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, अगर इस ब्राउज़र से आपको छुटकारा पाना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाता है, तो आप मेरा ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, सेटिंग में जाके बाय डिफ़ॉल्ट आप इस ऐप्स को जो इस बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है या फिर बहुत सारी रियलमी की जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप है उसे आप वहाँ से हटा कर खुद का जैसे क्रोम ब्राउज़र है उसे बाय डिफ़ॉल्ट या ऐप्स को बाय डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। तो अगर आपको देखना होगा तो वो भी वीडियो है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कलर ओएस के स्मार्ट स्कैन के रिगार्डिंग, क्या फ्यूचर में यहाँ पे अदर लैंग्वेज आने वाली है जैसे कि हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे रियलमी ने बोला है कि वो कंसीडर कर रहे हैं बहुत जल्द ही जो अलग अलग प्लेसेस की रीजनल लैंग्वेज रहती है, बंगाली, तमिल और बहुत सारी, वो भी लैंग्वेजेस वहाँ पे स्मार्ट स्कैन में अवेलेबल करा दी जाएगी। पे पूछा गया है कि क्या रियलमी U1 ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, तो कंपनी ने बोल दिया है जी हाँ बिल्कुल सपोर्ट करता है, आप सेटिंग में सिस्टम में जाइए कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर दीजिए। वो रियलमी के सारे डिवाइसेस में यही सेटिंग है दोस्तों, रियलमी U1 में, अगर आपको दूसरे भी डिवाइसेस में सेटिंग करनी है तो यही सेटिंग है, यही फीचर आपको अवेलेबल मिल जाएगा देखने को। तो आपको अगर कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करना है तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और फीचर्स अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि क्या फिंगरप्रिंट सेंसर से स्वाइप डाउन करके हम नोटिफिकेशन को हटा सकते हैं, तो यहाँ पे रियलमी ने बोल दिया है कि अभी तो भाई इसका कुछ पता नहीं है, अभी इन्होंने फीचर्स अवेलेबल कराया है जो कि है फिंगरप्रिंट सेंसर से सेल्फी लेने वाला। तो यहाँ पे जो ये फीचर्स है ये अभी दोस्तों रियलमी U1 में ही अवेलेबल करा दिया है, बाकी तो सभी डिवाइसेस में ये फीचर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा रियलमी 1 और रियलमी C
T1 को छोड़ के, क्योंकि दोस्तों इन दोनों मोबाइलों में फिंगरप्रिंट सेंसर्स है ही नहीं, तो Realme अवेलेबल कहाँ से कराएगा। तो बाकी जो डिवाइसेस है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है, सारी की सारी डिवाइसेस में आपको अपडेट मिल जाएगा और आप फिंगरप्रिंट सेंसर से भी सेल्फीज ले सकते हैं, फोटोज़ खींच सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि नॉन इंडियन यूज़र्स के लिए है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या Realme कम्युनिटी जो है वो इसकी फैसिलिटी वहाँ पे भी अवेलेबल करा दी जाएगी ताकि वो Realme के लेटेस्ट अपडेट से वाकिफ हो सके। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि Realme जो डिवाइस है वो म्यांमार, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और नेपाल में भी लगभग लॉन्च होने वाला है। तो बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे यहाँ पे Realme लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे जो है Realme कम्युनिटी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इन फ्यूचर बहुत जल्द ही आपको भी वहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा अगर आप इंडिया के बाहर के हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी Realme कम्युनिटी 11 के में पूछे गए FAQ के बारे में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जाएँ दोस्तों, बोलते रहिए, वंदे मातरम।